बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों और भाइयों सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त आपको रियाल निकाल कर दिखाऊंगा, रियाल निकाल कर दिखा देता हूँ जनाब मोहतरम। इनकी ज़्यादा कदर होती है सऊदी अरबिया के अंदर या अपने रिश्तेदार बहन भाइयों की कदर ज़्यादा होती है। ये 200 रियाल का नोट है, 200 रियाल का नोट है। इन पैसों की ज़्यादा कदर है या अपने बहन भाई रिश्तेदारों खाला के बेटे कोई इनकी ज़्यादा कदर है, किन की कदर ज़्यादा है मुझे आप खुद बताना है आपने। मैंने वो रिश्ते देखे हैं जो रियालों की ज़्यादा कदर करते हैं और अपने रिश्तों की कदर नहीं करते। मैं अपनी खुद मिसाल दे देता हूँ। अपने मेरे करीबी ने क्या कहा कि मैं आपको काम दिलवाऊँगा उसमें मुझे पैसे चाहिए, मैं आपको काम दिलवाऊँगा तो मुझे पैसे चाहिए। आप ही खुद सोच लीजिए कि अपना कोई अजीज़ हो, करीबी हो, आपका अपना हो, आपका बड़ा साथ देने वाला हो, तो फिर ऐसा भी करते हैं लोग। ऐसा होता है सऊदी अरबिया के अंदर, जी हाँ ऐसा करते हैं लोग। ज़रूर इस बात पर एग्री होंगे, उस बात को ज़रूर हकीकत पर मबनी समझेंगे जो यहाँ सऊदी अरबिया के अंदर रह के जा चुके हैं या सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं। ऐसा होता है भाई जान। सबसे ज़्यादा अहमियत जो सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं अपने रिश्तेदार जितने भी, मैंने साला बहनोई खुद लड़ते देखे रियालों की वजह से। इन गुनाहगार आंखों ने खुद देखा है उन साला बहनोई को झगड़ते हुए पैसों की खातर। इससे बड़ा रिश्ता क्या है, है कोई रिश्ता इससे बड़ा? मैंने खाला खाला के बेटे भी देखे, खाला खाला के बेटे भी देखे जो एक दूसरे से पैसों की डिमांड करते, पैसों की डिमांड करते कि मैं आपको काम दिलवाता हूँ, काम मैं लेकर देता हूँ, मुझे आपने पैसे देने हैं। ऐसा मैं मानता हूँ लोग कई ऐसे करते हैं, लेकिन एक रिश्ते की अहमियत बता रहा हूँ, अपने रिश्तों की कदर बता रहा हूँ, इज्जत बता रहा हूँ कि इतने रिश्तों की इज्जत करते हैं हम, अपने रिश्तों की हम इस तरह कदर करते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर आकर। इस तरह होता है क्या, ऐसा नहीं है? मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। बाकी इससे बढ़कर क्या होगा, किसी यार दोस्त मुल्क के आदमी से किसी दूसरी कंट्री के साथ किस तरह की तवक्को रखेंगे? आपके अपना ज़ाती रिश्ता जो है, भाई की बात नहीं कर रहा, जो दूसरे रिश्ते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि ऐसा होता है कि आपको लोगों पैसों की डिमांड करेंगे, लाएं पैसे दें हम आपको काम बताएंगे। लेकिन मैंने सलाम कहा, मैं बोला सलाम है आपको जनाब मोहतरम, मैं सलाम पेश करता हूँ, आप शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह कोई और रास्ता दिखाएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो इस तरह होता है कि सऊदी अरबिया में आपको काम भी दिलवाते हैं कहीं, तो वो बोलते हैं हमको पैसे दो हम आपको काम देंगे, काम किसी और आदमी से देंगे। लेके इस तरह होता है, यानी 1000 रियाल 500 रियाल इस तरह बस ले लेते हैं एक आदमी को काम दिलाने में। रिश्तों की कदर यहाँ देखी जाती है। बताइए मुझे, अगर आप सोचें कि उसके बच्चे आपके बच्चे को फ़र्क निकला, लेकिन उसने आपको दिखाया मेरा पैसा मेरा पैसा, आपका पैसा आपका पैसा, आपके बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, रिश्तों की कदर देखी गई कि नहीं देखी गई, आप खुद अंदाज़ा कीजिए। तो दोस्तों एक मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसा काम हुआ है तो मुझे ज़रूर सऊदी अरबिया के अंदर बताइए, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको ज़रूर बताऊंगा वीडियो बनाकर कि ऐसा होता है या नहीं सऊदी अरबिया में। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, न्यू व्लॉग में, तब तक दीजिए हम को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।